हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आज हम 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप अपने किचन गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला पौधा है गिलोय। गिलोय को हम बहुत ही आसानी से उसके बेल से, उसके बीजों से ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है। हाई फीवर में हम इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। आपकी ये इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छे से इंक्रीज करता है। आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। हमारा दूसरा पौधा है तुलसी। तुलसी आपको हर जगह मिल जाता है। इसका इस्तेमाल हाई फीवर में किया जाता है और स्ट्रेस फ्री होने के लिए भी किया जाता है। ज़्यादा कफ है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पौधा हमारा है आंवला। आंवला का इस्तेमाल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, या ज़्यादातर हर एक किचन में यूज किया जाता है। आंवला आपको अंदर से मजबूती करने के साथ साथ बालों को भी मजबूत करता है और आपका पाचन क्रिया को भी बहुत बहुत ही अच्छे से मजबूत करता है। चौथे नंबर पे आता है नींबू। छोटा सा दिखने वाला ये नींबू औषधीय गुणों का खजाना है। इसका इस्तेमाल रक्त को साफ करने में, हाई फीवर में, अस्थमा में, वजन को कम करने में किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं जिसका अलग से मैं वीडियो आपको बाद में दूंगी। हमारा पांचवा पौधा है अदरक। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में चाय बनाने में भी किया जाता है। ये मांसपेशियों के दर्द में, पीरियड के दर्द में, खांसी में, जुखाम में और तो और बुखार में भी यूज इसका किया जाता है। ये 5 ऐसे पौधे थे जो आपको अंदर से फिट रहने में मदद करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।